સમગ્ર રાજ્યના સાર્વત્રિક વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભારેથી અતિભારે હવામાન વિભાગની આગાહી પગલે સરકાર અને વહીવટીતંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 3 વર્ષ અગાઉ ભારે વરસાદના પાણી પૂરે વિનાશ વેર્યો હતો, જેને લઈને બનાસકાંઠા વહીવટીતંત્ર ચોમાસામાં વરસાદની આગાહી લઈને એલર્ટ રહે છે. આજે જિલ્લા મથક પાલનપુરમાં એનડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. વડોદરાથી આવેલ 21 જવાનોની એનડીઆરએફ ટીમ અત્યાધુનિક સાધનો સાથે બચાવ કામગીરી માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે. हमारी टीम यहाँ श्री अजय कुमार तिवारी कमांडेंट साहब के नेतृत्व में 06 बटालियन बड़ोदरा गुजरात से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में यदि मान लो कहीं भी बाढ़ से फ्लड से रिलेटेड कुछ डिजास्टर या आपदा होती है तो उसके लिए तैनात की गई है. यदि मान लो आगामी कुछ 3-4 दिन में बारिश होती है और यहाँ बनासकांठा में फ्लड से जैसा माहौल स्थिति पैदा होती है तो हमारी टीम यह वेल इक्विपेड है और यहाँ हमारी रेस्क्यू टीम रेस्क्यू का कार्य करेगी. हमारे पास वो सभी साधन हैं जिसके कि हम फ्लड के दौरान यूज कर सकते हैं और कोविड-19 को देखते हुए हमारे पास कोविड के पीपी प्लस उसको कैसे हम बचाव कर सकते हैं उसके पास अत्याधुनिक हमारे पास सामान है और हम उसका यूज करते हुए हम लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. ऐसी यदि कोई बाढ़ के कारण आपदा उत्पन्न होती है तो